भाई कितना स्पीड में चलाता है यार। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक, अपने एडवेंचर ब्लॉग में, और मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमेड साकेत संतोष। दोस्तों आज है 15 जनवरी 2023 और मैं निकल चुका हूं सुकमा के लिए, और मैं चला हूं आज भोगम से जो कि दंतेवाड़ा ज़िला में पड़ता है, और यहां से सुकमा लगभग 87 से 88 किलोमीटर है। तो आज का राइड लगभग 90 किलोमीटर का राइड होगा, और मैं निकल चुका हूं, और आप लोग देख सकते हैं मैं यहां का नज़ारा मैं दिखाने का कोशिश करूंगा, तो आप लोग देखिए। तो ये है भाई यहां का नज़ारा, और भगवान भास्कर इधर उदय हो चुका है, और इधर कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है भाई, और अपना तिरंगा भी लहरा रहा है। मैं दिखाता हूं आगे के कैमरा से, लोग देख सकते हैं कि अपना तिरंगा भी लहरा रहा है। अभी थोड़ा कम लहरा रहा है लेकिन लहराएगा, तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए लहराना चालू हो चुका है। थोड़ा अभी मतलब हवा कम है ना इसीलिए, और कपड़ा का है इसीलिए थोड़ा कम अथी होता है, लहराता रहता है। और भाई आज थोड़ा यहाँ इधर भोगम में रुके थे, तो कुछ लोग मतलब पूछ रहा था क्यों रुका यहाँ पर, मतलब समझ सकते हैं आप। इधर क्या है ना कि थोड़ा इलाका ठीक नहीं है, इसीलिए इतना सवाल जवाब कर रहा था, और उसका सवाल पूछना भी जायज़ है यार। और मैं इधर ही रुक गया था कल, अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा मैं इधर ही रुक गया था, क्योंकि वो भैया लोग रुका लिए थे, इनवाइट कर लिए थे। तो चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ से सुकमा तक, क्या क्या होता है मेरे साथ वो अपडेट मैं देता रहूँगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो उन लोगों को फुल जानकारी नहीं मिल पाता है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखना। और भाई रोड इधर बहुत बढ़िया बना दिया है अभी, उधर तो मानपुर मोहल्ला साइड इतना रोड ख़राब था ना पूछो मत, इधर तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। और भाई अब थोड़ा डाउन वाला आया है, उसके बाद अप वाला आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पर, तो मैं डाउन वाला आराम से लेके चलता हूँ। आप लोगों देखिए अभी ये एक मोबाइल लगा हुआ है, और मैं चप्पल पहन के ही इतना दिन से मैं राइड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि जूता पहनने से मेरा ना वो पैर फूल जाता है, इसीलिए मैं नहीं पहनता हूँ। अब की करियो माई गे भूल ही ना मिलले कसाई गे, अरे अब की करियो माई गे भूल ही ना। देखो भाई ये अपनी बिल्लो, और ये रोड जो जाएगा ना ये सुकमा जाएगा। भाई कितना स्पीड में चलाता है यार, ऐसे में एक्सीडेंट होता है। और मैं इधर से ही आया था, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो वो जो गाड़ी इस इधर जो दिख रहा है, ये लोग हमको मिल गए, ये सब रायपुर से हैं, मैं मिलवाऊँगा इन लोगों से। तो मैं जा रहा था तो ये लोग भी शायद घूमने निकले हैं, बोल रहे थे कन्याकुमारी में जाऊँगा, यानी ये लोग भी कन्याकुमारी के लिए निकले हैं, बोल रहा था तो बोला कि आ जाओ मेरे ग्रुप में कुछ देर इंजॉय करेंगे। तो मैं जा रहा हूं अभी, और उन लोगों से भी मैं मिलवाऊंगा अगर वो लोग वीडियो में आना चाहेगा तो। देखो मैं जा रहा था तो ये भैया लोग, मतलब मेरे से छोटी है, मैं भैया बोल रहा हूँ, ये सब मिले हैं बच्चे लोग टाइप का है। मैं सब अपना अपना नाम बता दो। मैं आदित्य पटेल। हाँ, निकेत पटेल। हाँ, हाँ। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग बस घर में ही रहते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं।
मैं जा रहा था ना भाई, तो ये लोग रोका, भैया रुको 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 रुको। तो मैं बोला कि ये लोग मतलब अच्छा से बात किया, तो मैं बोला कि इसको ले लेता हूँ यार व्लॉग में, बहुत अच्छा लगा मिल के। ऐसे ऐसे लोग नहीं मिल पाते जल्दी, तो ठीक है भैया मैं आगे मिलूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे हैं वैसे भैया, बहुत अच्छे हैं। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर सब करना। ठीक है, चलता हूँ मैं फिर। हाँ, ठीक, बाय। ठीक।